बार द्वादश स्कंद में जो है, अच्छा इसके बीच में एक तो कथा रह गया वो जो आपको बताया था कि भगवान कृष्ण के वंश को शाप मिला था कि जो वो मूसल पैदा हुआ है वही उनके वंश को नाश करेगा, है कि नहीं, याद है? तो उन्होंने क्या किया था उससे बचने के लिए, उस मूसल का पाउडर बना के समुद्र में मिला दिया था। तो जब समुद्र में मिला दिया तो वो समुद्र से तैर के समुद्र के किनारे बीच पे आके वो एक अजीब तरह की घास बन गया जिसमें बड़े बड़े डंडे थे, ठीक है। तो जब आपने ये सुना, आपने सुना कि भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेज दिया था कहाँ, बद्रिकाश्रम। तो बद्रिकाश्रम जाते समय वो कृष्ण के वियोग को सह नहीं पाए, वापस आ गए, वापस उनको बरगद के पेड़ के नीचे कृष्ण बैठे मिले, उन्होंने उनसे उद्धव गीता सीखा और फिर कृष्ण का अब आप जाइए। तो फिर वो गए कहाँ, बद्रिकाश्रम की तरफ। रास्ते में उनको जब कृष्ण ने उद्धव गीता उद्धव को दिया तो मैत्रेय भी वहां आ गए थे, तो मैत्रेय ने भी सुना, ठीक है। और यही चीज को सुन के उद्धव जब जा रहे थे तो यमुना किनारे उनको विदुर जी मिले। विदुर जी से कहा कि मैं नहीं, आपको किस कौन सुनाएगा, मैत्रेय। ये सब हमने थर्ड तृतीय स्कंद फोर्थ फिफ्थ में ये सब सुना, ठीक है। तो जब भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा था और वो वापस आए और फिर से मिले, इसके बीच में क्या हुआ कि जो देवी देवताओं ने बोला था ना कि अब आप, कि हमें जो आप आए थे अब आप चाहें तो अपनी लीला खत्म कर सकते हैं, जा सकते हैं, तो भगवान ने क्या किया, ये लीला समाप्त करने के लिए भगवान ने जो उनके पार्षद थे द्वारका में, जो परिकर थे, उनमें से जो लोग नित्य परिकर थे उनको तो द्वारका में रहने दिया, और जो कौन थे, देवी देवता, जो भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की लीला में भाग लेने के लिए अलग अलग रूपों में आए हुए थे, उन सबको लेके ये कहा कि प्रभास क्षेत्र में चलना है, वहां पे कुछ पूजा हवन हम करेंगे, है ना, कुछ शुद्धिकरण की विधियां वहां हम करेंगे। तो सबको लेके कहा गए प्रभास क्षेत्र, क्यों, क्योंकि द्वारका में मरेंगे सब भगवत धाम जाएंगे, पर सब अपनी अपनी सेवा छोड़ के आए थे, उनको सेवा वापस करनी है कि नहीं। तो जिनको भगवत धाम जाना था उनको वहीं छोड़ा, जिनको नहीं जाना था उनको प्रवास क्षेत्र में लेके आए। और प्रवास क्षेत्र में आने के बाद वहां पे सब यज्ञ हुआ और वहां पे सबने वारुणी मदरा पी, किसने, यदुवंशियों ने। तो यदुवंशियों ने सबने वारुणी मदरा पी और वारुणी मदरा पी के सबको नशा हुआ। अब ये भगवान स्वयं चाहते थे, मैंने रीजन बताया क्यों चाहते थे यदुवंश का नाश हो, कल बताया था। तो भगवान चाहते थे कि ये लीला हो और भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि सब जो है मदिरा पी के आपस में एक दूसरे को गालियां देने लगे, है ना। और गालियां से काम नहीं चला तो मारने पीटने लगे, उससे काम नहीं चला तो फिर इन्हें चाहिए थे क्या, कुछ डंडे, कुछ लाठियां, तलवार, कुछ तो चाहिए, वहां तो कुछ था नहीं, तो किसको उखाड़ा, वही डंडे, कौन से, हाँ, तो उनको उठाया और उनको उखाड़ उखाड़ के सब एक दूसरे को लड़े और उन्हीं से सब मार गए। कृष्ण बलराम ने स्वयं सबको मारा और इस तरह से पूरा यदुवंश का वंश पे नाश हुआ। उसके बाद कृष्ण जो है आए यहाँ पे और यहाँ रह गए जहाँ पे उद्धव जी को मिले हैं, और इन्होंने अपने सारथी को वापस भेज दिया, सारथी को, और अंतिम लीला तो वहां पे भगवान को उन्होंने वहां पे छोड़ दिया। भगवान साथी की जगह कि भाई आप जाओ द्वारका में, मेरा संदेश दे देना और उसके बाद तुम लोग सब द्वारका को, तो भगवान कहते हैं कि तुम द्वारका में जाओ, सबको कह देना द्वारका को छोड़ देना, क्यों, क्योंकि कुछ समय बाद द्वारका क्या हो जाएगी, समुद्र में डूब जाएगी, समझ आ रहा है।
तो जो है द्वारका भगवान का दिख जाएगी, आप लोग उसे छोड़ देना। और इस तरीके से उनका जो है वंश खत्म हुआ। और जो पाउडर बनाया था ना मूसल का, उसमें से सबसे छोटा भाग रह गया था, वो टुकड़ा सा, तो उसको एक शिकारी था जरा, उसने सोचा अच्छा है मारने के लिए, अपने तीर में लगाया। और जब भगवान, जब वहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे, दूर से उन्हें भगवान का चरण जो है एक हिरण के आंख जैसा, मुंह जैसा लगा, और उन्होंने वही तीर से हिरण को शिकार करते हुए सोचते हुए और भगवान को भी। पर उस समय वो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने भगवान को मार दिया, वाह नहीं, भगवान ने ऐसे लीला किया, यहाँ से जाने का उनको इस तरह से करना था, उन्होंने किया। इसके बाद जरा ने काफ़ी प्रार्थनाएं की भगवान को, और इस तरीके से ये लीला हुआ 11वें स्कंद में। और इसके बाद जो है आगे वर्णन आता है कि 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन, कलयुग में आगे क्या होगा। तो इसी वर्णन में आगे बताते हैं कि अब जो है, आपने वंश सुने होंगे, सूर्य वंश चंद्र वंश के बारे में सुना था कि नहीं। तो कहते हैं कि जो 138 सालों तक पांच राजा प्रद्योत वंश के राज्य करेंगे, उसके बाद 360 साल तक शिशुनाग वंश के 10 राजा, फिर 100 सालों तक नंद और उसके 8 पुत्र राज करेंगे। नंद का नाम आपने शायद इतिहास में सुना होगा, किसने सुना है, पद्मानंद, घनानंद, सुना नहीं, घनानंद का सुना होगा जिसने, हाँ जिसने चाणक्य को, अब कुछ अपनी बात हो रही है, तो जिसने चाणक्य को निकाला था, और वही चाणक्य ने फिर प्रतिज्ञा की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य, मैं नहीं आया, तो मौर्य जिसका एक वंश यहाँ भी रहते हैं, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। तो ये चाणक्य का नाम, चंद्रगुप्त का नाम, अशोक का नाम, ये सब उस समय से भागवतम में पहले से ही भविष्यवाणी कर रखी है ना। तो उसके बाद नंद और उसके 8 बेटे 100 सालों तक, फिर मौर्य वंश के 10 राजा राज करेंगे 137 साल तक, फिर शुंग वंश भी आपने इतिहास में पढ़ा होगा, तो शुंग वंश के 10 राजा, ये अपने इतिहास में हमने जो पढ़ा वो हमारे इतिहास था, भागवतम में जो चर्चा चल रही है परीक्षा, ये भविष्य बताया जा रहा है। तो इन ऐसे कई जगह शास्त्रों में मिलती है जो भविष्य के बारे में बताते हैं, तो इन चीज और ये चीजें हम समझ सकते हैं कि सही हो गई है। तो इससे हम इस चीज को समझ सकते हैं कि शास्त्रों में जो और भी चीज बताई है ना वो भी सही है, कार्बन डेटिंग करने की जरूरत नहीं है। राम सेतु था, है द्वारका, है ना, भगवान राम, ठीक है। तो फिर 10 राजा शुंग वंश के 112 साल तक, कण्व वंश के 3 राजा, उसके बाद आंध्रा जाति के, आंध्र प्रदेश सुना है क्या, बैठ जाए, तो आंध्र जाति के 30 राजा 456 सालों तक, फिर 7 राजा आबीर वंश के, 10 गर्भीष वंश के, 16 कंक्ष वंश के, फिर 8 यवन, यवन समझते तुम्हें, यवन, फिर उनके बाद 14 तुर्क, ये तो आपने सुना होगा, यवन लोगों ने, गूढ़ों ने, यवनों ने, तुर्कों ने, क्या नाम था उसका, जिसने अटैक किया था, बाइबल से पहले हमारी, तुम्हारे तो इतिहास देखते हैं, ये बच्चे हंस रहे हैं, तैमूर है ना, ये सब वर्णन आ रहा है, तुर्क लोग है ना, इस तरीके से। फिर 11 राजा मौल वंश के, और फिर किलकिला वंश के 106 साल तक 5 राजा, इस तरीके से जो है कलयुग का वर्णन आता है। और इसके बाद जब कलयुग खत्म हो जाएगा, जिसकी उम्र 432,000 साल है, तो महाराजा शांतनु का नाम सुना आपने, महाराजा शांतनु के भाई देवापी, उस समय जब मैं चंद्रवंश का वर्णन कर रहा था तब बताया था कि देवा
पापी जो है उनके वो रह गए थे, उन्होंने जंगल में गए थे, तो वही महाराजा देवापी कलयुग के अंत में आके चंद्रवंश की फिर से स्थापना करेंगे, चंद्रवंश को आगे बढ़ाएंगे और इक्ष्वाकु वंश यानी कि सूर्य वंश को राजा मरु आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो ये लोग इंतजार करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है सुखदेव गोस्वामी आगे परीक्षित महाराज से बताते हैं, चूंकि इतने राजाओं का वर्णन हुआ, कहाँ से शुरू हुई थी गाथा, स्वयंभू मनु से, याद है आपको, कितने राजा आए, एक से एक चक्रवर्ती राजाओं की कथा आपने सुन ली, है ना, कुछ की विस्तार से, कुछ की संक्षेप में, है ना, नव मस्कन में तो कईयों राजा आए, तो कितने लोग आए और गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भूमि देवी ने गीत गाया, इसे कहते हैं भूमि गीत, कई गीत है, तो भूमि देवी के माध्यम से बताते हैं इस संसार का प्रकृति कैसा है। तो भूमि देवी कहती है कि मुझे हंसी आती है कभी कभी, भूमि देवी हंसती है, क्यों, भूमि देवी कहती है कि मैं देख रही हूं क्या कि शुरू से लेके अब तक बड़े बड़े राजा आए और सब मुझ पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, सब, ये मेरा राज, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा घर, इतने स्क्वायर फीट मेरा, इतने गज मेरा, ये मेरा मेरा करके कितने बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धुरंधर पुरंदर, पता नहीं कौन कौन आए और सब इस बात का क्लेम करते हैं, क्लेम माने दावा, सब इस बात का दावा करते हैं कि मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, मेरी जमीन है। और दावा करते करते एक दिन मरते हैं, फिर उनके पुत्र आते हैं, उनके वंशज आते हैं, सब इस बात का, फिर कोई दुश्मन आके उस पे अटैक कर लेता है और वो कहता है कि अब ये मेरी धरती है, फिर दूसरा आता है वो कहता है मेरी धरती है, है ना। तो इस तरीके से सब लोग ये भूमि की बात समझने वाला है ना, सब लोग ये बात का दावा करते हैं, है कि नहीं। और पर कोई भूमि देवी हंस क्यों रही है, किसको समझ में आ रहा है, भूमि देवी इसलिए हंस रही है कि देखो इतने बड़े बड़े आए, सबने दावा किया पर आज तक कोई टिका नहीं, लेकिन कोई नहीं टिका, लेकिन फिर भी जो अब आते जा रहे हैं वो भी इस बात का दावा करते हैं कि मेरी धरती है और ये चलता जा रहा है। इस बात को सोच के भूमि देवी हंस रही है, सब अपना अपना प्रभुत्व, अपना अपना अधिकार जमाना चाह रहे हैं, आज तक कोई नहीं बचा, सब मरते हैं, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, तो इसलिए भूमि देवी जो है हंस रही है। इसके बाद जो है आगे वर्णन आता है कि कलयुग में जो है कलयुग के महान गुणों का वर्णन आता है कि कलयुग में सब चीज खराब है, क्या कलयुग में क्या क्या खराब है, कलयुग में पहले तो लोगों की उम्र कम, बुद्धि कम, एज कम, है ना, और हाइट कम, और इस तरीके से एक्चुअली में कलयुग के बारे में बहुत लंबा वर्णन है, 10-12 श्लोक में, तीसरे अध्याय में, तो कहते सब बुराइयां ही बुराइयां हैं, है ना, मतलब इतना ऐसा सब वर्णन आता है कि कलयुग में आगे जाके पानी कम हो जाएगा, धरती में जो संपदाएं हैं सब नीचे, धरती अपने अंदर सोखती जाएगी, आप देखिए पानी का स्तर नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, गोल्ड नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सब अच्छा है। फर्स्ट गोल्ड माइन कब बनी किसको पता है, मुझे नहीं पता, किसको पता है गोल्ड माइन कब आई, किसको पता है, जीके, अरे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं यार, कोलार में, कोलार की खान सुना है आपने, तो वहां उसे फर्स्ट बोलते हैं भी, है ना, तो इन्हीं सब माइंस से तो गोल्ड आता है, तो माइंस बनना कब से चालू हुआ होगा, 100 साल पहले से, अंग्रेजों के जमाने से, या 200 साल मान लो, 300 साल मान लो, तब जब माइंस बनी तब गोल्ड निकला, है कि नहीं, तो क्या उसके पहले गोल्ड नहीं था, सोना नहीं था, पहले था कि नहीं था,
अभी आप में से ही कई लोग होंगे जिनके घर में कोई पुश्तैनी आभूषण पड़ा होगा, बताना नहीं किसी, है ना? पुराने इतने पहले की मैं माता है इतने मोटे मोटे कंगन पहनती थी, अब बोले वो नक्षत्र उतने में ही सब घुमा दिया, बोले ये सुंदर है, पहले इतना मोटा कड़ा होता था उनके हाथ में, देखा तो गाँव में जाओ आप देख सकते राजस्थान वगैरह में, इधर पंजाब में रहता है तो नहीं तो पहले सो, और फिर आपने पढ़ा भी है राजाओं के पास सोने कितना रहता था, मुकुट सोने के, तो कहाँ से आता था सोना, सोने वाली बात नहीं, सोना आता था माइन सोची नहीं, कहाँ से आता था? तो धरती देती थी, इसलिए वो सही बताया मेरे देश की धरती, मैंने नहीं बोला आप लोगों ने बोला, तो धरती माता, आपने पृथ्वी महाराज के प्रसंग में भी सुना कि धरती माता खुद देती है, जब धरती पे रहने वाले, ये इंपॉर्टेंट है, धरती पे रहने वाले लोग जब धर्म के हिसाब से चलते हैं, कृष्ण के इच्छाओं के हिसाब से कृष्ण की सेवा में हर चीज को लगाने की चित्त वृत्ति रखते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हो गया, जब लोग जो कुछ भी है मिल रहा है उसे कृष्ण की सेवा में लगाने की इच्छा से सब काम करते हैं, तो धरती खुल के देती है, क्यों देती है? धरती कौन है? आप कोई साउथ इंडियन मंदिर में गए हैं? कौन गया है वहां पे? आपने देखा होगा उत्सव विग्रह होते हैं, नारायण विष्णु रंगनाथ है ना, वरदा आदि वरदराज है कि नहीं, तो दो तरफ होते हैं लक्ष्मी, कौन होते हैं वो, किसके याद है नाम, श्रीदेवी और, श्रीदेवी और भूदेवी, श्रीदेवी बोले तो साहिल हंसने लग जाए, श्रीदेवी और भूदेवी, श्रीदेवी माने लक्ष्मी जी, भूदेवी माने धरती, और अभी आपने सत्यभामा के प्रसंग में सुना, तो भूमि देवी कौन है, भगवान की पत्नी है, तो वो जो कुछ भी देती है, जब वो देखती है कि ये लोग कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, मेरे पति की सेवा में लगा रहे हैं, तो खुल के देती है। तो पुराने जमाने में पहाड़ों पे खनिज मिला करते थे, पहाड़ों पे जाइए सोना पड़ा रहेगा जितना, और लोग भी ईमानदार होते थे, जितना चाहिए उतना लाते थे, है ना? तो लोग जाते थे जितना सोना चाहिए उतना लेके आते थे, जितना चांदी चाहिए उतना लेके आते, जितना पत्थर चाहिए लेके आते थे। तो अब लोग की दृष्टि में भेद आ गया है, बेईमानी आ गई है, इसलिए गलत, जब गलत काम बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, धरती माता उसे खींच रही है। क्या समझ में आया माँ? आप शायद बोल दे, धरती माता उसको खींच लेती अंदर। देख लीजिए पहाड़ों की हाइट कम हो रही है कि नहीं, सब पहाड़, पत्थर भी एक वैल्यूएबल चीज है, पत्थर नहीं होगा तो चलेगा क्या, है ना? तो हर चीज जो सब धरती अपने अंदर, अपने गर्भ में धरती सब खींच लेती है। वही आपने पृथ्वी महाराज के प्रसंग में सुना होगा, धरती ने सब अपने अंदर खींच लिया था, तो पृथ्वी ने कहा कि मैं धर्म की स्थापना करूंगा और आप पृथ्वी माता दो, है ना? तो ये जो है कलयुग में सब चीज कम हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा, है ना, बुद्धि कम हो जाएगी, पाप बढ़ता जाएगा, इस तरह से वर्णन आ रहा है। औरतें आदमियों की तरह बिहेव करेंगी, आदमी औरतों की तरह बिहेव करेंगे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ना? और जो है, जो व्यक्ति ज्यादा धनवान होगा उसे ही सब लोग सम्मानित मानेंगे। सम्मान कैसे होगा? ज्ञान सम्मान, इसकी पहचान होगी कि उसके पास धन कितना है। जो ज्यादा धनी वही अच्छा व्यक्ति, है ना? जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा, इतना ही। रामचंद्र कह गए सिया से। तो कलयुग का इस तरह से वर्णन बताया है, ठीक है? और इसके बाद, और ये भी बताया है कि कलयुग में आगे चल के लोग मतलब दो तीन फिट के ही हो जाएंगे, बस दो फिट हो गए तो उसको बोलेंगे कितना लंबा है यार ये, है ना? और लोग अपने
माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, देख लिया होगा आपने वृद्धाश्रम बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, जरा से पैसे के लिए लोग एक दूसरे को मार देंगे है? और अपनी पत्नी की भी रक्षा करने की उनमें समर्थता नहीं होगी, नास्तिकता बढ़ती जाएगी लोगों के अंदर, भगवान नहीं है, भगवान की क्या जरूरत है, है? इतने सारे लोग मुर्गा खाते हैं फिर भी आराम से मर्सिडीज में घूमते हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है कि नहीं? भक्ति पूजा इनकी कोई चर्चा नहीं होगी, है ना? इस तरीके से बताते हैं कि कलयुग में, और उम्र कितनी हो जाएगी अंत तक, ज्यादा 25 साल, 25-30 साल वाला तो दादाजी होगा, है ना? इस तरह से होगा कलयुग के अंत में, इतना पानी नहीं रहेगा, खाना नहीं रहेगा, लोग एक दूसरे को मारेंगे। अभी सही हो गया चालू, आपने सुना है कि नहीं? किसने, किसको पता है? नाम नहीं लूंगा, पर कुछ ऐसे देश हैं जहां पर फीटस भ्रूण मिलता है होटल में, प्लेट में भ्रूण आता है और लोग उसमें से नाइफ फोक से खाते हैं, ऐसा होता है? अभी चालू हो गया है, भ्रूण होटल में अवेलेबल है मेन्यू कार्ड में, इंसान भ्रूण समझते कि नहीं? तो इस तरह की स्थिति अभी से आपको देखने को मिल रही है, अभी 5-6 हजार साल ही हुए हैं, है ना? तो इस तरीके से कलयुग का भयंकर वर्णन है। और फिर आगे कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। कलेर दोष निधि राजन, निधि माने सागर, दोष माने बुराइयां। कलेर दोष निधि, दोषों का सागर है, बुराइयों का सागर है। अस्ति एक महागुण, एक महान गुण है। इतने दोष हैं कलयुग में, इतने दोष हैं, लेकिन एक महान गुण है, क्या? कीर्तना देव कृष्ण से, कीर्तन माने आप जानते हैं, पर किसका? कृष्ण से, बिल्कुल क्लियर होता है, कोई चक्कर नहीं है। कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संग परम रजे, वही दिव्य धाम को वो प्राप्त करेगा कलयुग में। इसलिए देवता भी चाहते हैं कि कलयुग में हमें इंसान का जन्म मिले, भारतवर्ष में। जब जम्बूद्वीप के 7 वर्षों का वर्णन आया था, तो भारतवर्ष के वर्णन में देवता कहते हैं कि हमें भारतवर्ष में जन्म चाहिए। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महागुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम रजे। खाली कृष्ण के कीर्तन करने से दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं, समझ में आ रहा नहीं? तो इसको आप यह समझिए कि किसी ने बहुत एक एग्जाम प्री मेंस पता नहीं कितने एग्जाम देके वो ऑफिसर बना है, फिर नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि भाई खाली आपको एग्जाम में आके अपना एक अटेंडेंस मार के जाना है और आपको वही पोस्ट मिलेगी। तो जो ऑलरेडी कुछ पोस्ट पा चुके वो सोचे, अरे यार काश मैंने 12th ना इसमें करी होती है। जब हमारा यूपी में बहुत पहले जब मैं स्कूल में था, तो एक गवर्नमेंट आई थी, उस गवर्नमेंट ने सेंटर्स चेंज होते हैं अभी कि नहीं होते स्कूल में बोर्ड एग्जाम में, यहाँ के बच्चे वहाँ होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि सेंटर चेंज नहीं होंगे। क्या कहा था? तो सेंटर चेंज नहीं होंगे, और हर स्कूल प्राइवेट स्कूल वालों को क्या रहता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, अब सेंटर चेंज नहीं होंगे। तो पता है क्या होता था, एग्जाम पेपर एग्जाम हॉल में टीचर आके एग्जाम लगा के एग्जाम क्वेश्चन पेपर देता था, आंसर शीट देता था, फिर आंसर शीट ब्लैंक, फिर एक जिस सब्जेक्ट का टीचर है उसको बोलते थे कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में, पुलिस भी लगती थी, इस टाइम से इस टाइम के बीच में हम पुलिस को नाश्ता कराएंगे, समोसे कचौड़ियाँ सब खिलाएंगे, और इसके बीच में तुम्हें हर एग्जाम हॉल में जाना है, 15 मिनट स्पेंड करने हैं। तो वो टीचर के पास एक पेपर रहता था, वो आता था सीधे, हाँ भाई स्टार्ट करो, फर्स्ट डे का ये इसमें ये लिखना है, इसमें सारे लिखे, बस 15 मिनट में
वो आपको समरी दे के जाता था, और उसके बाद समोसे का नाश्ता खत्म होने के बाद लड़के लोग ना उस पर अपना एलोबरेट करके लिखते रहते थे, क्यों वोर्थिक रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, है ना। तो जिनने ऑलरेडी पास कर लिया वो कहते थे अगर मैंने ट्वेल्थ इस सरकार में करी होती तो कितना अच्छा होता, मेरे मार्क्स कितने अच्छे आते, क्योंकि मार्क्स तो वैल्यू रखते हैं ना, मार्क्स होंगे तो आगे जॉब इंटरव्यू में बैठना, हर जगह बैठना, आपको वो सब एग्रीगेट बन के आपको वैल्यू देगा। तो इसी तरीके से बोले कलयुग में कुछ नहीं करना, कोई करने कल कितने विस्तार से बताया था, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना कर लो आप और आपको दिव्य धाम भगवत धाम की प्राप्ति हो रही है। तो देवता भी कहते यार इतना अच्छा था शहर कलयुग में मिल जाता, तो वो भी चाहते। आगे कहते हैं कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, कृते ध्यायतो विष्णु, कल इसके डिटेल में बताया था, कृते माने होता सतयुग, सतयुग में क्या है विष्णु को ध्यान मेडिटेशन तपस्या करना, त्रेतायाम यजतो मखई, ये जो आपने सुना होगा मक्का, संस्कृत शब्द मखई से वो मक्का निकलता है, तो मखई माने होता है यज्ञ, है ना। त्रेता युग में क्या होता है यज्ञ, सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में विग्रह सेवा। तो जो योग कहते हैं जो परिणाम आपको सतयुग में विष्णु का ध्यान लगा के मिलता है, जो परिणाम त्रेता में यज्ञ करके मिलता है, और जो परिणाम आपको द्वापर में विग्रह पूजा करके मिलता है, कलौ तद हरि कीर्तन, कलयुग में वही सेम परिणाम हरि कीर्तन करके मिलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से हरि नाम की महिमा, और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, और ये तो भागवतम का था, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में विष्णु पुराण से, पद्म पुराण से, बृहद नारदीय पुराण से, अलग अलग जगह से और श्लोक भी लाके लिखे हुए तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं। तो सभी इसीलिए ब्रह्मा जी ने पहले ही कल बताया था ना, ब्रह्मा जी ने पहले ही कहते कि सर्व वेदेश, सभी वेदों को देख के छान के मैं बता रहा हूं कि कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। जब इतना क्लियर हमें समझा दिया गया है, बता दिया गया है, तो हम क्यों और चक्करों में फंसे पड़े हैं। हरि कीर्तन में तो पैसा भी नहीं लगता, कोई झंझट नहीं, बिल्कुल और कोई उपाय नहीं है, कर लो आप कितना आपको करना है वो। और भगवान ने अब ये भी ना सोचो कि हमें हरि कीर्तन से मतलब ही नहीं है, भगवान ने गीता में बहुत स्पेसिफिक कहा है कि भक्ति तो तुम्हें करनी पड़ेगी, क्यों बोले तुम कुछ ना कुछ तो करना चाहते हो ना, बिजनेस चाहते हो, कुछ ना कुछ चाहते हो, तो कहते पांच फैक्टर होते हैं सक्सेस के, पांच फैक्टर सक्सेस के, है ना। वो जैसे हमें दिल्ली जाना है यहाँ से, है ना, तो पहला फैक्टर है कि हम होने चाहिए, जिसने जाना है उसे कहते करता, है ना। फिर एक गाड़ी, दो गाड़ी है, हम हैं, गाड़ी चलाना नहीं आता, तीन स्किल, है ना। वैसे नहीं, अर्जुन ने रूपा जी तात्पर्य लिखते हैं, अर्जुन ने कृष्ण से ये नहीं कहा अरे कृष्ण आप तो यार भगवान है यार खत्म करो, मैं जरा पीछे जाके गांजा पीता हूँ, नहीं ऐसे नहीं है, है ना। और कृष्ण ने भी ऐसे नहीं कहा, नहीं काम तो करना है तो स्किल होनी चाहिए, गाड़ी चलानी पड़ेगी आपको, है ना, गाड़ी होनी भी चाहिए, तीन हो गए। चौथा फैक्टर है रोड अच्छा होना चाहिए, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, सब होना चाहिए आपके पास, रोड मैप होने चाहिए, तो फैसिलिटीज, चार हो गए, ठीक है। तो ये चार चीजें अगर हैं आपके पास, गाड़ी है, आप भी हो और आपको चलाना भी आता है, आपको रोड मैप है, रोड पता है, आप आराम से दिल्ली पहुंच सकते हैं, है कि नहीं। तो ये चार फैक्टर हैं सक्सेस के, लेकिन पांचवा फैक्टर भगवान कहते हैं गीता में, पांचवा सक्सेस फैक्टर
फैक्टर है मेरी इच्छा। मैं नहीं चाहता कि भाई तू दिल्ली पहुंच, फिर कौन पहुंच जाएगा? बिल्कुल। अगर कृष्ण नहीं चाहते कि अगला व्यक्ति एग्जाम क्लियर करे तो कौन करा देगा? बोलते ना, अरे प्रभु जी सब पढ़ के गया था, वही वही पढ़ के गया था, लेकिन वो आया नहीं। ऐसा होता है बच्चों से आप पूछ लो, वो एग्जाम में वही प्रश्न आया जो उसने कल सॉल्व किया था 6 बार, और वो एक एक मैथमेटिक्स में ना एक 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 स्टेप बाय स्टेप रहता है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 है, दोनों तरफ में 2-2 का गुणा करो, क्यों करो? तो वो करता जाता है एक स्टेप, फिर भूल जाता है इसके बाद क्या करना था। एलसीएम लेना था, एससीएफ लेना था, बस अटक गया। एलसीएम की जगह एससीएफ लेके आया, आंसर कुछ आ गया, फिर वो मैंने तो पूरा लगा के गया था, फिर भी उस समय नहीं चला, क्यों? कृष्ण इच्छा नहीं थी। तो 5 सक्सेस के फैक्टर है, कृष्ण इच्छा है, होगी तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कृष्ण इच्छा चाहिए, भक्ति करनी पड़ेगी। और कलयुग में आसान कर दिया काम, कलयुग में क्या आसान कर दिया? कलयुग में आपको सिर्फ सिंपल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो कलयुग का वर्णन, कलयुग में भगवत भक्ति का साधन और कलयुग के महान एक जो गुण है उसका वर्णन, और सिर्फ हरि नाम से वही परिणाम मिलेगा, इसका वर्णन हुआ। और फिर आगे जो है, इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जो है उनको परीक्षित महाराज को आगे और चर्चा बताते हैं कि प्रलय के बारे में। तो प्रलय के बारे में बताते हैं, 4 तरह की प्रलय होती है ना, बताया किसको याद है 4 तरह की प्रलय? एक प्रलय जो होती है, जो हम हमारे शरीर में हमेशा कुछ ना कुछ छीण हो रहा है, कोशिकाएं हमेशा मरती रहती है, ठीक है। उसके बाद जो ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, दूसरी तरह की प्रलय। जब ब्रह्मा जी की उम्र खत्म होती है, तीसरा। और जब जीव का लास्ट में जब जीव का क्या खत्म होता है, अहंकार, तो चौथी प्रलय। इस तरह से प्रलय का वर्णन हुआ। और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को आशीर्वाद दे के वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद परीक्षित महाराज पूर्णतया भगवत भक्ति में लीन, कृष्ण के चरणों में उनका ध्यान लगा हुआ है, और वो भगवत धाम जाते हैं। और बाद में तक्षक आता है और उनके मृत शरीर को ही जला पाता है। तो इससे नाराज होकर परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ चालू किया, जिसके तहत वो चाहते थे कि सारे सर्पों का नाश कर देंगे यज्ञ में जला के। बाद में देवी देवताओं ब्रह्मा जी की कहने पर उन्होंने उसको बंद किया। इसके बाद अच्छा, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, ऐसा कौन किसको सुना रहा था? सौनक आदि ऋषियों को, सुखदेव, सूत गोस्वामी, राइट। तो सूत गोस्वामी आगे बताते हैं कि वेदों के बारे में, कि व्यासदेव के शिष्यों ने किस तरह से वेदों का विभाजन किया। और श्लोकों की संख्या बताते हैं कि ब्रह्म पुराण में 10,000, पद्म पुराण में 55,000, ऐसे करके सब अलग अलग पुराणों में कितने कितने श्लोक हैं, इसके बारे में बताते हैं। और तो इसी में वो मार्कंडेय पुराण के बारे में बता देते हैं, एक है मार्कंडेय पुराण। तो मार्कंडेय पुराण के बारे में बताते हैं, तो फिर वो प्रश्न करते हैं कि मार्कंडेय के बारे में बताइए। तो मार्कंडेय जो थे भगवान कृष्ण के भक्त थे, और उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करी, और भगवान के प्रकट होने पर उन्होंने इच्छा करी कि हे भगवान, हम आपकी माया को देखना चाहते हैं, भगवान की माया क्या है इसको हम देखना चाहते हैं। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, ठीक है आपको माया के दर्शन हो जाएंगे। हम लोग वो माया तो रोज दिखती है। तो मार्कंडेय जब माया का दर्शन करना चाहते थे, तो भगवान उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। मार्कंडेय अपने आश्रम में तपस्या इस तरह से कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि वहां पे जल का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। जल का स्तर बढ़ता जा रहा था, और वो जल कौन सा था?
प्रलय कारी जल। प्रलय का समय हुआ, जल एकदम से बढ़ गया, चारों तरफ पानी पानी, बड़ी बड़ी आकाश को छूने वाली लहरें पानी में उठने लगी, है नहीं? और जहां देखो वहां पानी पानी भरा जा रहा है, पानी ऊपर नीचे, जिसको देखो सब पानी में बहा जा रहा है, और इतना तेज। और ये वहां बैठे हुए हैं उस बरगद के पेड़ के नीचे, कौन? मार्कंडेय ऋषि। तो इन्होंने उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए और उस भयंकर लहरों के बीच में एक बरगद का पत्ता देखा, बरगद का पत्ता, और उस बरगद के पत्ते पे एक बच्चा लेटा हुआ था, सुंदर बालक। और बालक क्या कर रहा था? अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। कौन थे वो? किस किसने देखी है फोटो? हमने सिर्फ फोटो देखी, मार्कंडेय ने लाइव टेलीकास्ट देखा है कि नहीं? तो मार्कंडेय जी ने, अब कोई कहे भगवान चूस क्यों रहते, अपना पैर का अंगूठा क्यों चूस रहे थे? तो बोलते हैं भगवान को लगा कि यार सब जिसको देखो, पूरी भागवतम में आपने भी सुना चरणारविंदम पदारविंदम, सब चरणों की पीछे पड़े हुए हैं, तो भगवान ने सोचा ऐसा क्या है मेरे चरणों में, मैं भी जरा टेस्ट करके देखूं। तो भगवान अपने अंगूठे का रस ले रहे। तो मार्कंडेय ने जब इस बच्चे को देखा कि कौन है यार, इतनी बड़ी बड़ी हिलोरे यहाँ पानी की चल रही है और ये बच्चा उसमें तैर रहा है, कौन है ये? तो ऐसा सोच ही रहे थे, ऐसा सोचते 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 वो बच्चे ने क्या किया कि सांस ली तो मार्कंडेय उसके अंदर ही चले गए। और अंदर जाके देखे तो वही सी, और पूरा प्रलय का जल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, और वहां भी वो बच्चा। इस तरीके से मार्कंडेय पूरा भ्रमित हुए, फिर उन्हें भगवान के दर्शन हुए। तो इन्होंने भगवान के दिव्य दर्शन को जब देखा तो भगवान को गले लगाना चाहा, तो जब गले लगाने की प्रयास किया तो सब खत्म, और वो वहीं बैठे हुए बरगद के पेड़ के नीचे, ना तो प्रलय का जल है, ना बच्चा है, ना बरगद का पत्ता है, कुछ नहीं है, जो कि आश्रम में बैठे हुए सब वहीं का वहीं है। तो क्या हुआ? भगवान ने जो बोला था कि तुम्हें माया का दर्शन होगा, ये माया का दर्शन। तो इस तरीके से भगवत भक्ति में पूर्णतया लीन मार्कंडेय ऋषि वहां पे तपस्या करते रहते थे। तो एक दिन शिवजी और माता पार्वती वहां से गुजरे, तो माता पार्वती ने देखा कि ये बहुत तल्लीनता से कौन भक्त बैठे है। तो बताया तो मार्कंडेय है, कृष्ण के भक्ति में पूरी तरह से लीन है। तो माता पार्वती कहते हैं कि शंकर जी से कि आप इसको कुछ दो, इतना अच्छा भक्त है, इसको आपको कुछ देना चाहिए, जाइए इसको कुछ दीजिए। तो पार्वती जी के कहने पर शंकर जी वहां गए दोनों, और शंकर जी ने उनसे बात किया और उनको अभय प्रदान किया। और इस तरीके से शंकर जी ने उनसे कहा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने वही चीज मांगी, क्या? कृष्ण भक्ति दीजिए, कृष्ण के चरणों की सेवा दीजिए, और कृष्ण भक्तों का संग, कृष्ण भक्तों की सेवा दीजिए, घूम फिर के एक ही चीज मांगता है भक्तों। तो मार्कंडेय ने कहा कि आप तो स्वयं भगवान शंकर हैं, आप तो लोगों को जो चाहे वो दे सकते हैं, तो आप मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए। कृष्ण से ऑलरेडी साक्षात्कार हो चुका है, फिर भी क्या मांग रहे हैं कि कृष्ण मैं भक्त नहीं हूं, मुझे भक्ति दो, और हमें अभी कुछ नहीं दिखा, हम कहते हम क्या है और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर तुम, हमें ये अभिमान है कि नहीं? और सही भक्त कहते हैं भक्ति दो, भक्तों का संग दो, ताकि उनकी सेवा करके मैं भक्त बन सकूं। तो इस तरीके से शंकर जी ने उन्हें वरदान दिया, और उन्हें ये भी वरदान दिया कि 6 वनों के समय तक वो रहेंगे, है ना? तो इस तरीके से मार्कंडेय ऋषि की कथा आती है। तो इसके बाद मार्कंडेय ऋषि की कथा और फिर श्रीमद् भागवतम का पूरा सारांश बताते हैं सूत गोस्वामी कि मैंने आपको क्या क्या बताया, प्रथम अध्याय में क्या बताया। शुरुआत से बताते हैं कि पहले सृष्टि का वर्णन बताया, फिर कुंती महारानी की शिक्षाएं, है ना, विदुर जी के बारे में,
कैसे विदुर जी को निकाला गया, ठीक है। द्वितीय स्कंद में विसर्ग के बारे में बताया, भगवान ने किस तरह से सृष्टि की रचना किया और किस तरह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया, है ना, सर्ग और विसर्ग। इसके बाद जो है द्वितीय स्कंद में जो है हिरण्याक्ष का वध, कर्दम देवहूति का विवाद, भगवान कपिल द्वारा देवहूति को शिक्षा, चतुर्थ स्कंद में शंकर जी और दक्ष का जो दक्ष का जो यज्ञ का विध्वंस हुआ वो, और उसके बाद महाराज ध्रुव महाराज की कथा, पृथ्वी महाराज की कथा, प्राचीन बरही की कथा, प्रचेताओं की कथा, ठीक है, पंचम स्कंद में। तो चतुर्थ में पूरा शांभू मनु के एक बेटे उत्तान काक के वंश का वर्णन, पांचवें में दूसरे बेटे प्रियव्रत के वंश का वर्णन, फिर जम्बूद्वीप के सात द्वीपों का वर्णन, नरकों का वर्णन। नरकों के वर्णन से जब परीक्षित महाराज डर गए तो उससे बचने के लिए सिर्फ एक उपाय है, हरि नाम, और इसको बताने के लिए अजामिल की कथा है, और फिर दिति के, फिर दक्ष के 11,000, पहले 10,000, फिर 1,000 उनको नारद जी के द्वारा ब्रह्मचारी बनाना। इससे नाराज होकर दक्ष ने नारद जी को शाप दिया, और फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें आइडिया दिया कि आप पुत्र नहीं पुत्रियां पैदा करो, तो 60 पुत्रियों के वंश का वर्णन, और उसी वंश के वर्णन में जो है कश्यप द्विती का संवाद, मारुत गणों की कथा। इस तरीके से षष्ठम स्कंद, सातवें स्कंद में भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की कथा, राजसु यज्ञ में शिशुपाल का मारा जाना और वर्णाश्रम का वर्णन। फिर जो है आठवें स्कंद में मनवंतर की कथा, जिसमें सभी मनुओं के नाम, छह पदों का वर्णन, और चौथे मनु के समय में गजेंद्र वध की कथा, गजेंद्र को भगवान ने कैसे गिराए मगरमच्छ के मुख से बचाया उसका वर्णन, और समुद्र मंथन का वर्णन, समुद्र मंथन के दौरान किस तरह से लक्ष्मी जी का भगवान से विवाह हुआ उसका वर्णन। भगवान कूर्म समुद्र मंथन में, भगवान कूर्म और अजीत मत्स्य, कई तरह के अवतार, और उसके बाद बलि महाराज की कथा, किस तरह से भगवान ने माता अदिति को पयोव्रत के द्वारा उनको आशीर्वाद दिया और पयोव्रत के परिणाम स्वरूप वामन देव के रूप में आए और अदिति को दिया प्रॉमिस पूरा किया और देवताओं को उनका राज वापस किया, वामन देव भगवान का वर्णन। उसके बाद अष्टम स्कंद के अंत में सत्यव्रत राजा के पास मत्स्य अवतार का प्राकट्य, मत्स्य अवतार का वर्णन, प्रलय के दौरान जो है मत्स्य अवतार के द्वारा सत्यव्रत को दिव्य ज्ञान किया उपदेश, और फिर नवम स्कंद में सूर्यवंश, जिसमें तमाम राजाओं जैसे अम्बरीश राज, महाराजा अम्बरीश और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का वर्णन, चंद्रवंश में महाराजा पुरुरवा ययाति का वर्णन, और यदु और उन्हीं यदु के वंश में कृष्ण का वर्णन। दसम स्कंद में भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन, जन्म से लेके कैसे वो वृंदावन में लीला किए, मथुरा में जन्म हुआ, वृंदावन में लीला किए, गोकुल में रहे तो वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा गए, कंस को मारा, कंस को मारने के बाद जरासंध को हराया, जरासंध को 17 बार हराया, 18वें रण को छोड़ के रणछोड़ बने और द्वारका में नगर बसाया, वहाँ पे उनके विवाहों का वर्णन। बीच में जो है इंद्रप्रस्थ पर हस्तिनापुर में जाके पांडवों को जो है तो दसम स्कंद में द्वारका में फिर भगवान के विवाहों का वर्णन, और उसके बाद भगवान के पुत्रों का वर्णन, उनके विवाहों का वर्णन, उनके पौत्रों के विवाहों का वर्णन, भगवान के वंश को किस तरह से शाप मिला इसका वर्णन, और फिर 11वें स्कंद के शुरुआत में जो है वसुदेव और नारद का संवाद, जिसके अंतर्गत नवयोगेंद्रों की कथा और नवयोगेंद्रों द्वारा महाराज जनमी को उपदेश, और फिर भगवान के अंतिम समय में उद्धव को भगवान के द्वारा ज्ञान देना, उद्धव गीता का वर्णन। उद्धव गीता में कई तरह के प्रसंग, अवंती ब्राह्मण, पिंगला नामक वैश्य, अवधूत ब्राह्मण के 24 गुरुओं का वर्णन,
और 12वें स्कंद में फिर जो है कलयुग का वर्णन, कलयुग के भावी राजाओं का वर्णन, कलयुग में के लक्षणों का वर्णन, कलयुग में हरिनाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन, और इस तरह से परीक्षित महाराज के भगवत धाम जाने का वर्णन, और फिर जो है जो अभी अभी हमने सुना कि वेदों के विभाजन, पुराणों के श्लोकों की संख्या, मार्कंडेय ऋषि का जो है मार्कंडेय ऋषि को भगवान कृष्ण के द्वारा कृपा की प्राप्ति और भगवान शंकर द्वारा आशीर्वाद देना, और इसके साथ श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक कहता है कि भवे, ये 22वां है, 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 22वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा पुरुष देवेश नाथस्तोमनो यथा प्रभु। हे ईशो के ईश, हे भगवान, हे स्वामी, आप हमें जन्म जन्मांतर तक अपने चरण कमलों की शुद्ध भक्ति का वरदान प्रदान करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि पर। मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है, और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। प्रणामो दुखम, सारे दुख को से छुटकारा मिलता है, ऐसे हम भगवान हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। कैसे मिलता है? नाम संकीर्तन यस्य, संकीर्तन सामूहिक सब लोग आके कीर्तन करते हैं, तो इस तरीके से श्रीमद् भागवतम का ये 12वां स्कंद भी समाप्त होता है। श्री प्रभुपाद की जय। आप लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा, मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने अपना आशीर्वाद मुझे दिया, जो कि इन 12 स्कंदों को 10 दिनों में संक्षेप में हम सार के रूप में श्री प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज की कृपा से, आचार्य परंपरा की कृपा से हम समझ सके। इसके साथ साथ इस गोविंद गिरधारी बाबू माता जी, उनके पूरे परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस कथा का आयोजन कराया, और जो मेरे गुरु महाराज हैं जिनकी कृपा से, एक गुरु की कृपा से गूंगा भी बोल सकता है, लंगड़ा भी पहाड़ पार कर सकता है, तुम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को जो कहाँ तो पाप कर्म में लगा हुआ, भौतिक चीज़ों में लगा हुआ, उसको इस तरह की कृष्ण कथा के श्रवण और कीर्तन की सेवा में अपनी कृपा से लगाया। साथ ही साथ मैं उन भक्तों का भी आभारी हूँ, हमारे प्रभु जी जिन्होंने मुझे शुरुआत में भक्ति में बहुत मदद किया है, इसके लिए स्वरूपानुभव प्रभु, और उस समय के हमारे सारे मित्र, उनमें से पुनीत प्रभु यहाँ हैं, विष्णु प्रभु, और उन सब ने उस समय हमें शुरुआत के दिनों में बहुत साहस अप्रिशिएशन सब दिया, जिसकी वजह से हम भक्ति में कुछ प्रयास कर रहे हैं। और इस ग्रेस गौरांग प्रभु, गौरांग दर्शन प्रभु, राधे श्याम प्रभु, इन सब से मैंने कथाएं सुनी हैं, उनके लेक्चर सुने हैं, बलराम शक्ति प्रभु और भी तमाम भक्तगण। मैं स्पेशली जनरस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, जनरस राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उनके मुखारविंद से कई बार कथाओं को सुन के कुछ सीख सका। तो इस तरीके से श्री प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना है, इसी तरह मुझमें तो कोई योग्यता नहीं है, पर फिर भी वो अगर चाहें, अगर उनको इससे प्रसन्नता हो तो आप भक्तों की सेवा में इस तरह लगाए रखें। और अम्बाला के भक्तों से बहुत आशीर्वाद मिला है, यहाँ
आता हूँ तो बहुत प्रेम मिलता है। भक्त लोग यहाँ पे बच्चे भी बहुत बेचारे सेवा करते रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। बड़े यहाँ के बच्चे बड़े भक्ति में इंटरेस्टेड बच्चे, इतने इंटरेस्टेड बच्चे कहीं नहीं देखे। और सभी लोग यहाँ पे भगवान की कथा बहुत सुनना चाहते हैं। हमारे नीतीश प्रभु ने प्रण लिया है रोजमाला करने का, बेचारे बहुत पानी देते हैं मेरे को, और जो भी चाहिए छोटी सी छोटी चीज़ सब ला के देते हैं। पूरा रात में भी जाते हैं बेचारे, है ना। उनको भी प्रणाम करता हूँ कि वो भी भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करें। श्री प्रभुपाद की। तो इस तरीके से जो हमने भागवतम के अंतिम श्लोक में बीच में शुरू से लेकर अंत में एक चीज़ को समझा है कि भक्तों का संग जरूरी है, तो आप सब लोग इस तरह से प्रभु जी माता जी ने इतना अच्छा यहाँ पे व्यवस्था किया हुआ है, गौरहरी मंदिर बड़ा छोटा, और आप लोग इसका लाभ उठाएं। आप लोग हर संडे को रहता है, हर एकादशी को रहता है, आप लोग आए अपने परिवार के साथ हैं यहाँ पे सत्संग का लाभ उठाएं। देख रहे हैं कि नारद शंकर जैसे बड़े बड़े भक्त भगवान का के भक्तों का सत्संग मांग रहे हैं, हमें सत्संग मिल रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है, प्रसाद मिल रहा है, यहाँ पर सब चीज़ की व्यवस्था है, आप आइए। और अब हम इस तरीके से जो हमने समझा है श्रीमद् भागवतम में उसको ध्यान में रखते हुए नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि यही सार है, बाकी सब बेकार है। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की, श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।